स्कॉन की ओर से चौथा एनुअल वैल्यू एजुकेशन यानी कि मूल्य आधारित शिक्षा ओलंपियाड पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जनजातीय मंत्रालय दिल्ली निदेशालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और गोवर्धन इको विलेज मुंबई के सहयोग से आयोजित किया गया। इसी संदर्भ में नई दिल्ली के चिन्मय मिशन सभागार में रविवार को एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ये ओलंपियाड कक्षा पांचवी से कक्षा बारहवीं के छात्रों के लिए इनोवेटिव और इम्पैक्टफुल प्रोग्राम है, जिसका मकसद पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जरूरी छह विशिष्ट मूल्यों सत्यता न्याय अखंडता समानता और परोपकारिता को विकसित करना है। साल 2023 के इस निःशुल्क कार्यक्रम में 20 अलग अलग देशों के 252,500 छात्रों ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में प्रतिभागियों को फ्यूचर एथिक नामक एक किताब मिली और उन्हें एक घंटे की अवधि की ऑनलाइन परीक्षा में हिस्सा लेना था। इसके अतिरिक्त छात्रों को पर्यावरण संबंधी चिंताओं के व्यावहारिक संसाधनों को व्यक्त करने की चुनौती दी गई। छात्रों को परीक्षा की तैयारी में मदद करने के लिए छह मूल्यों के आधार पर पहले से रिकॉर्ड की गई 7 कक्षाओं को वेबसाइट पर पोस्ट किया गया था। प्रत्येक कक्षा को छात्रों में एक तय गुण विकसित करने के लिए तैयार किया गया था, जो जीवन में उन्हें परीक्षा से आगे ले जाए। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों में स्वतंत्र विचार, नवीनता और उत्तरदायित्व जैसे गुणों को प्रेरित करना, पर्यावरणीय चुनौतियों और उनके कारणों का समाधान प्रदान करना है। अलग अलग कैटेगरी के 20 विनर को लैपटॉप, टैब, साइकिल और अमेज़न किंडल से पुरस्कृत किया गया। इसके अतिरिक्त 25,000 रुपए का कैश प्राइज भी दिया गया और 50 सांत्वना पुरस्कार के रूप में विजेताओं को हेडफोन दिए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद माननीय केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर में कार्यक्रम में फेड फॉर अर्थ नैरोबी के प्रमुख याद अबू मोगली ऑनलाइन जुड़े। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में स्कॉन की ओर से 2,00,000 पेड़ों के लिए एक वृक्षारोपण अभियान भी आयोजित किया गया है, जो पर्यावरण मंत्रालय की मदद से अप्रैल 2023 में होने वाला है। कार्यक्रम की सफलता सामूहिक प्रयास की शक्ति, पर्यावरण के प्रति जागरूक तथा जिम्मेदार समाज को बढ़ावा देने में मूल्य आधारित शिक्षा के प्रभाव का द्योतक है। स्कॉन का लक्ष्य है कि पर्यावरण जागरूकता को स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराएं, ताकि शिक्षाएं जन जन तक इसका विस्तार हो सके। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बाहर से अधिक विभिन्न विभागों और 50 स्वयंसेवकों ने 5 महीने से अधिक समय तक अथक परिश्रम किया, जिसमें 2,000 शिक्षकों सहित नियमित समन्वय करना था। दिल्ली से पंकज राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स। Thank you.